अच्छा मेकअप का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेकअप किसी की खूबसूरती को आकर्षक भी बना सकता है या उसे बिगाड़ भी सकता है। तो ऐसे में मेकअप सही ढंग से करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज की क्लास में हम जानेंगे कि हमें पार्टी के लिए कैसे मेकअप करना है। जब भी हम पार्टी में जाना होता है तो पार्टी में जाने से पहले हम सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इस बात के लिए हम परेशान होते हैं कि हम अपना मेकअप कैसे करें। लेकिन अब आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की क्लास में हम पार्टी के लिए मेकअप के बारे में जानेंगे और इसके तरीके के बारे में जानेंगे, साथ ही आप थ्योरी भी नोट कर लीजिएगा। ओके, तो पार्टी के लिए मेकअप कैसे करें, हेडिंग डालना है। अगर इस तरह से मेकअप करेंगी तो आप आसानी से कर लेंगे। आप थ्योरी में आपको क्लियर हो जाएगा, आप थ्योरी भी लिख लीजिएगा। पार्टी के लिए मेकअप कैसे करें, तो फेस वॉश या फिर आपको फेस क्लिंजिंग जो होता है उसको करना है। अगर आप अपने स्किन पर टोनिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकती हैं। एंड दूसरे में सेकंड नंबर हमारा मॉइस्चराइज़र। तो आपको पहले CTM कर लेना है। ओके, आपको क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे को कर लेना है। अब हम पार्टी मेकअप के लिए प्राइमर, यानी जब हम पार्टी मेकअप करेंगे तो सबसे पहले हमें प्राइमर चाहिए होगा। ओके, तो जो प्राइमर होता है वो हमारे मेकअप को आकर्षक बनाने के लिए हमें एक अच्छा बेस होने की आवश्यकता होती है। तो जो मेकअप प्राइमर होता है वो बेस का काम करता है और अलग अलग त्वचा के अनुसार अलग अलग प्राइमर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो चेहरे पे इसका इस्तेमाल आप मेकअप से पहले ज़रूर करें। ओके, तो प्राइमर लगाने के तरीके के बारे में जानेंगे कि हमें प्राइमर कैसे लगाना है। तो अपने हाथों के पीछे हिस्से पे आवश्यकता अनुसार मेकअप प्राइमर लें। अब अपनी फिंगर टिप्स से प्राइमर को चेहरे और गर्दन पर डॉट डॉट करके लगाएं। फिर अच्छे से चेहरे पर मिला लें ताकि स्किन में ब्लेंड हो जाए। ब्लेंड होने के लिए इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। तो जब भी आप अपने फेस पे प्राइमर लगाएं तो आप इस प्राइमर लगाने के बाद कम से कम आप थोड़ी देर के लिए, यानी 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के, थोड़ा सा आप अपने फेस पे प्राइमर को लगा के छोड़ दें। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा फाउंडेशन। तो देखिए, पार्टी मेकअप के लिए या फिर कोई सा भी मेकअप हम करते हैं तो फाउंडेशन का होना बहुत ज़रूरी है। बट एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फाउंडेशन लें तो अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ ही फाउंडेशन यूज़ करें। गलत फाउंडेशन का यूज़ करेंगे तो आपका फेस ब्लैक दिखने लगेगा। ओके, तो पार्टी मेकअप के लिए फाउंडेशन लगाने के तरीके के बारे में जानेंगे। तो अपनी हथेली पर ज़रूरत के अनुसार फाउंडेशन लें। इसे डॉट डॉट करके पूरे चेहरे और गर्दन पर एक समान मात्रा में लगाएँ। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बस आपको फेस पे फाउंडेशन को नहीं लगाना है, आपको चेहरे यानी फेस पे भी और गर्दन यानी नेक पे, दोनों पे भी आपको फाउंडेशन को डॉट डॉट करके लगाना है। थर्ड नंबर, ब्लेंडिंग स्पंज की मदद से अच्छे से फाउंडेशन को मिक्स करें। आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, इससे अपने फाउंडेशन को अच्छे से मिक्स कर लेना है, या फिर जो ब्रश आते हैं फाउंडेशन को उससे आप फाउंडेशन को अच्छे से अपने फेस पे और नेक पे अच्छे से मिक्स कर लेंगी ताकि वो बिल्कुल एक समान दिखे। अब अगला जो स्टेप है वो है हमारा कंसीलर। तो अगर आपको मेकअप में बेदाग दिखना है तो इसके लिए आपको कंसीलर चेहरे पे लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके डार्क सर्कल हैं या फिर आपके चेहरे पे किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं तो उनको छिपाने के लिए हम कंसीलर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो कंसीलर लगाने का तरीका, तो प्राइमर और फाउंडेशन चेहरे पे सेट हो जाए तो हथेली पे कंसीलर लें। तो जब भी आपका हमारा प्राइमर और फाउंडेशन सेट हो जाएगा तो हम कंसीलर लेंगे। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप हथेली पे निकालें, क्योंकि जो प्राइमर जो कंसीलर्स आते हैं वो स्टिक में मिलते हैं लिक्विड वाले, तो आप उस स्टिक से भी कंसीलर को अपने फेस पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकती हैं। ओके, तो अब आँखों के नीचे मौजूद डार्क सर्कल्स चेहरे के दाग धब्बे पर लगाएँ। तो जहाँ आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं वहाँ आपको लगाना है। अगर आपके आइज़ के पास ज़्यादा डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं तो आप वहाँ पे ऑरेंज का जो कलर कैरेक्टर आता है आप उनको लगा सकती हैं। अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं तो वहाँ पे आप ग्रीन कलर के कैरेक्टर को अप्लाई कर सकती हैं। ओके, फिर ब्रश या ब्लेंडर की मदद से इसको आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा मेकअप पाउडर लगाने का तरीका। ठीक है, तो अब बारी आती है हमारे पाउडर की। तो ये पाउडर हमारे प्राइमर और फाउंडेशन जो हम अपने फेस पे प्राइमर लगाएं, फाउंडेशन लगाएं और कंसीलर लगाए हैं उनको सेट करता है, यानी हमारे बेस को ये सेट करेगा। तो इससे जो मेकअप हमारा होता है चिपचिपा भी नहीं होता है और देर तक टिका रहता है। तो
तो हमें पाउडर जो आता है मेकअप का पाउडर, उसको हम ट्रांसलूसेंट पाउडर, सेटिंग पाउडर, जो बनाना पाउडर या लूज पाउडर जो होता है उससे हम कहते हैं ओके। जो नॉर्मल पाउडर टेलकम पाउडर है उसको हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है, लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो पूरा मेकअप सेट करने के लिए हमें सेटिंग पाउडर, लूज या ट्रांसलूसेंट पाउडर का इस्तेमाल करेंगे ओके। आवश्यकता अनुसार पाउडर को ब्रश पर लें, यानी जो पाउडर ब्रश आता है उस पर आपको पाउडर को लेना है। अब ब्रश को हल्का सा झाड़ लें ताकि जो एक्स्ट्रा पाउडर है ब्रश से वो निकल जाए, फिर पाउडर को चेहरे पे अप्लाई करेंगे ओके। तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि पहले आपको ब्रश पे पाउडर लेना है, फिर उसको हल्का सा झाड़ के आपको ब्रश, जब भी आप पाउडर लगाएं तो उसको हल्का सा झाड़ के आपको फेस पर अप्लाई करना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पाउडर है वो निकल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप है कंटूर, यानी कंटूर करने का तरीका। तो चेहरे के आकार के अनुसार कंटूरिंग करें। जैसे जो चेहरे का शेप है स्क्वायर होता है, हार्ट शेप होता है, राउंड होता है, ओवल होता है, तो उसके अनुसार हमें अपने फेस का कंटूरिंग करना होता है। तो कंटूरिंग के लिए कंटूरिंग ब्रश लें और फोरहेड, गाल, नाक और जॉ लाइन कंटूर क्रीम लगाएं। तो जैसा आपका फेस शेप है आप उस अनुसार अपने फोरहेड और गाल पे, नाक पे या फिर जो जॉ लाइन है उन पे आपको कंटूर क्रीम लगाना है। ब्रश की सहायता से कंटूर को अच्छे से मतलब ब्लेंड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ब्लश, यानी ब्लश हमें कैसे लगाना है इसके तरीके के बारे में जानेंगे। तो जो ब्लश होता है, देखिए आपको हमेशा अपने स्किन टोन के अनुसार ही इसको लगाना चाहिए। अगर आप फेयर हैं तो आप फेयर स्किन टोन के अनुसार अपने फेस पे ब्लश लगाएं, अगर डार्क हैं तो आप डार्क स्किन टोन के अनुसार आपको ब्लश का चुनाव करना पड़ेगा। तो ब्लश लगाने के लिए ब्रश लें, पाउडर या क्रीम ब्लश को ब्रश में लें ठीक है। और देखिए जो ब्रश होता है वो पाउडर फॉर्म में आता है या तो क्रीम फॉर्म में आता है, तो आपको इसे ब्रश में लगाना है। अब ब्रश से गाल पर ब्लश लगाएं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा हाइलाइटर, यानी हाइलाइटर लगाने का तरीका। तो अपने चेहरे को थोड़ा सा हम लाइट दिखाते हैं, जैसे जो हमारा फीचर्स होता है हाई पॉइंट, वहाँ पर हम हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सही रंग और अच्छी क्वालिटी का आपको हाइलाइटर का इस्तेमाल करना है। मेकअप ब्रश लें और ब्रश में हाइलाइटर लें। जो हाइलाइटर की ब्रशेज आती हैं आपको उनको लेना है और उसमें ब्रश में हाइलाइटर को लगाना है। अब हाइलाइटर चेहरे के हाईएस्ट पॉइंट पर लगाएं, जैसे गाल की हड्डी जो होता है वो हमारे फेस का हाईएस्ट पॉइंट होता है, उस पर आपको लगाना है। नोज़ के टॉप पे, यानी जो नोज़ का हमारा ब्रिज है वहाँ पे लगाना है। ठुड्डी पे, फोरहेड, क्यूपिड बो और हाईलाइट करें, क्यूपिड बो को हाईलाइट करें। अब आईब्रोज के नीचे भी जो हमारा ब्रो बोन होता है वहाँ पे भी आप हाईलाइट को लगा सकती हैं। अब जो अगला स्टेप हमारा होने वाला है वो आई मेकअप है, यानी हम आई मेकअप कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आईब्रो पेंसिल की मदद से आईब्रो को सही शेप दें। तो जो आपको आईब्रो पेंसिल लेना है और अपने आईब्रो को अच्छा शेप दे देना है, या फिर आईब्रो पेंसिल के जगह या फिर आईब्रो जो जेल आते हैं आप उनका भी यूज़ कर सकती हैं। अब आँखों पे आई शेडो लगाएं, तो आप अपने ड्रेस के अनुसार आई शेडो ले सकती हैं, डार्क या फिर हल्का आई शेडो। जैसे आपको आई शेडो पसंद है आप वो लगा सकती हैं। स्मोकी आइज करना है तो आप वो भी कर सकती हैं। इसके बाद आईलाइनर लगाएं, आँखों के नीचे काजल लगाएं, या चाहे तो नीचे आईलाइनर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम अपने आँखों के ऊपर वाले हिस्से पे आईलाइनर लगाएंगे। ये आईलाइनर आपको मोटा, पतला या फिर विंग जैसे लगाना है आप उसको लगा सकती हैं ठीक है। अब पलकों पे मस्कारा लगाएं या फिर आर्टिफिशियल आईलैशर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो जो हमें मार्केट में आर्टिफिशियल आईलैश मिलते हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप नेचुरल दिखना चाहती हैं, मतलब नेचुरल आई दिखाना चाहती हैं, तो आप अपने जो आपके नेचुरल आईब्रो है उस पर आप मस्कारा लगा लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है लिप मेकअप। तो सबसे पहले लिप लाइनर लें, होठों को आउटलाइन करें। तो आपको लिप लाइनर लेना है। तो जब भी आप लिप लाइनर लें कोशिश करें कि जिस कलर का आप अपने होठ पे लिपस्टिक लगाएंगे उस कलर का लिप लाइनर अगर लेती हैं तो वो ज़्यादा आपको अच्छा लुक देता है। फिर अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ लिपस्टिक लगाएं, या फिर आपको जो कलर भी लिपस्टिक का पसंद है आप उसको लगा सकती हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेटिंग स्प्रे, यानी फाइनल टचअप, यानी पूरा मेकअप करने के बाद हमें लास्ट में यूज़ करना होता है सेटिंग स्प्रे ठीक है, जिसको हम मेकअप स्प्रे यानी मेकअप फिक्सर भी बोलते हैं। तो अब फाइनल टचअप के लिए मेकअप स्प्रे अपने चेहरे पे स्प्रे कर लें।
तो जब हमारा पूरा मेकअप सेट हो जाएगा तो आप जो बाकी के बचे काम हैं, यानी जैसे आपको हेयर स्टाइल करना है आप वैसे अपना हेयर स्टाइल कर सकती हैं। तो इस थ्योरी को आप नोट कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और किस टॉपिक पे आपके थ्योरी चाहिए ये भी आप कमेंट करके